हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपको एक नए फ्रेश ताज़ा ब्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं एक जगह घूमने के लिए। ये काफ़ी फेमस जगह है और ऐसा जगह है कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये है दुनिया का जो जगह को आपको मतलब मैं दिखाऊँगा ये दुनिया का नंबर वन जगह है। इसके लिए ब्लॉग में बने रहें, एंड तक देखते रहें, स्किप ना करें, काफ़ी मज़ा आने वाला है, एक्साइटेड होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलिए चलते और जाने वाला हूँ मैं और जैनाल। अपना ग्लास नहीं है, एक ही ग्लास है, उसी में दोनों में काम चला लेंगे। और हम फिलहाल जाते हैं बस स्टॉप की ओर, वहाँ पे बस लेंगे या तो टैक्सी पकड़ लेंगे, फिर जाएंगे अपन मेट्रो में। तो आपको तो मालूम पड़ जाएगा, ठंडा पंडा पिएगा, हाँ उसके बाद जाएंगे तो आपको तो मालूम पड़ ही जाएगा वो जगह क्या है, कैसा है। वैसे मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है क्योंकि ये जगह दुनिया का नंबर वन जगह है। हम लोग जहाँ पे आने का था इधर आया, लेकिन बात ये हुआ कि अभी कुछ जगह चल के जाना पड़ेगा। हाँ ये बात है, कुछ जगह चल के जाना पड़ेगा वरना उधर काफी लंबा रास्ता है। पब्लिक रोड पे खड़ा है, हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक है क्योंकि चल के बहुत दूर है, इसके लिए पब्लिक शायद जाना नहीं चाहता है। बात ये है, व्यू देखो भाई, व्यू काफी खूबसूरत व्यू है, वाओ। ये वर्ल्ड का दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग के सामने से बुर्ज खलीफा, और फाइनली हम लोग यही जगह पे आने का था जहाँ पे हम लोग अभी इसके सामने से गुजर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज जो ईद का छुट्टी है उसके लिए हम लोग को ब्लॉग नहीं कर रहे हैं, दूसरा दिन आ जाओ ताकि जा सकोगे। आज अलाउड नहीं है, ओनली फैमिली का अलाउड है आज, बैचलर किसी का अलाउड नहीं है, इसके लिए निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है बाहर से देख के, वरना आप लोग को एकदम सामने से दिखाता था। तो ये है बुर्ज खलीफा और सामने है ये इमार स्क्वायर बिल्डिंग, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का व्यू और नज़ारा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे महंगे महंगे गाड़ियाँ हैं, जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं वो तो है ही VIP लोग, एरिया भी VIP है, डाउन टाउन एरिया है, तो हम लोग को अलाउड नहीं कर। और चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आ गए एकदम दुबई मॉल के सीधा सामने। ये है सामने दुबई मॉल, उसके आगे जाने देगा कि नहीं मालूम नहीं, सिक्योरिटी तो रुका दिया है, फिर भी कोशिश करेंगे जाने की, देखते हैं जा पाते या नहीं। वैसे सिक्योरिटी ने रुका दिया यहाँ पे सबको, तो हम लोग भी शायद नहीं जा पाएंगे। तो यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है जो भी है। अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग अंदर जाने नहीं दिया, सिक्योरिटी ने मना कर दिया, तो निराश होकर वापस जा रहे हैं, सोचते देखते कि कहीं और जगह जा पाते या नहीं। वैसे यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, व्यू माशाल्लाह माशाल्लाह वाओ अमेजिंग। एक काम करते हैं, सामने कहीं पे बैठते हैं, बैठ के ज़रा दिल को तसल्ली देते हैं कि हम लोग आया था, हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया, तो इसके लिए काम करते हैं यहाँ पे बैठ के दो टाइम चिल मार के फिर चले जाएंगे दूसरी जगह। लेट अस गो इनसाइड प्लीज। Come tomorrow. Our duty. How can I come? Just go outside and take some photos and come out. No, Dala, I'm on duty. We are not allowed. Only family. Yeah, understand. You are on duty. We are also want to go, but what can do? कुछ तो देखने को मिला, वाटर फाउंटेन।
इतना टाइम मेहनत करके आने के बाद इतना जगह चल के आया, फिर सिक्योरिटी से भी बात किया, सिक्योरिटी भी कहीं से भी हम लोग को अंदर अलाउड नहीं कर रहा था, फिर भी चलो चल चल के कुछ और जगह जब आगे आया तब हम लोग को एक ऐसा रास्ता मिला जहाँ से सब लोग अंदर आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, थोड़ा तो देखने को मिला, क्योंकि इतना दिल में तमन्ना लेके आया था कि वाटर फाउंटेन देख के जाऊँगा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं बुर्ज खलीफा के सामने, जो यह इतना टाइम से आप लोग को बता रहा था कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, दुनिया का सबसे नंबर वन जगह में, तो ये है बुर्ज खलीफा। फाइनली यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और बुर्ज खलीफा के एकदम नज़दीक तो जाने के अलाउड नहीं है, फिर भी अच्छा खासा जगह मिला जहाँ पे काफ़ी सारे क्राउड हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ऐसे जगह में भीड़ देख के और पब्लिक देख के और जगह को लोकेशन मस्त लग रहा है, देखने मज़ा आ रहा है। और अभी यहाँ पे हो चुका है पूरी शाम और हम लोग अभी यहाँ पे टहल रहे, इधर उधर फोटो वीटो खिंचाया, काफ़ी खूबसूरत हो गया क्योंकि ये लाइट चालू हो गया ना, लाइट चालू होने की वजह से माहौल एकदम माने क्या बोलूँ, इतना खूबसूरत की खूबसूरती की बयां नहीं कर सकता हूँ, इतना खूबसूरत बन गया ये जगह का लोकेशन। और हम लोग अभी तक यहाँ पे ही हैं, फोटो वीटो खिंचा रहे, वाटर फाउंटेन काफ़ी देख लिया, दो तीन बार हो चुका है, वो दो तीन बार हम लोगों ने देखा, एंजॉय किया व्यू को। और मौसम काफ़ी सुहाना है, इतना गर्मी नहीं है और बाइकिंग चालू होने की वजह से इतना खूबसूरत कि मतलब शायद ही कैमरा पकड़ सके, इतना खूबसूरत लाइटिंग है। और यहाँ पे जो नेशनल फ्लैग लहर रहा है देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सामने है बुर्ज खलीफा, वन एंड ओनली, जो दुनिया का सबसे ऊँचा है टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसके सामने है फिलहाल हम लोग, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इंजॉय इतना हो रहा है, अंदर नहीं जा सका तो क्या हुआ, बाहर ही इतना इंजॉय है भाई कि क्राउड देखो, इतने ये सब क्राउड के सामने आप अगर घूमोगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। जब भी मौका मिले यहाँ जाओ, इंजॉय करो और अपना टाइम स्पेंड करो, बस और कुछ नहीं। अभी हम लोग और कुछ फ़ोटो वीटो खींचेंगे और उसके बाद रवाना हो जाएंगे अपनी घर की ओर। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग निकल चुके हैं बुर्ज खलीफा दुबई में, उनके सामने से अभी फिलहाल जा रहे हैं मीटर की ओर, और हमारा अभी यहाँ पे घूमना फिरना होता है खत्म।
एकदम फिनिश और अभी मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। तो अभी उनके अंदर नहीं जा पाया तो क्या हुआ, मज़ा बहुत किया बाहर, काफ़ी सारे फोटो वीटो सभी लिए, रील्स बनाए और अभी चल रहे अपने घर की ओर जाएंगे और फिलहाल जा रहे हैं मेट्रो की ओर, मेट्रो पकड़ेंगे फिर जाएंगे अपना जगह में। तो बस इतना ही आज के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दबाइए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक भी मार सकते हैं, कोई बात नहीं, चॉइस आपका है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। On passive, the next station is on passive.